दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के बैन करने के बावजूद भी, जो कि नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका वास्तविक इस्तेमाल कहां कहां आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं और कहां कहां इसका सही इस्तेमाल होता है, कहां इसका गलत इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पावसने का इंजेक्शन है, यानी जब भी किसी गाय भैंस को लगाया जाता है विद इन 5 मिनट में ही गाय पावस जाती है, मतलब थनों में दूध भर लेती है और दूध दे देती है। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से अंदर से निकलता है और वो फिर पावसने में मदद करता है, लेकिन वो लिमिट मात्रा में निकलता है और हम जो ऊपर से दे देते हैं वो अंधाधुंध बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नुकसानदायक साबित होता है। अगर मैं प्रमुख नुकसानों की बात करूं पहले, फिर मैं इसके फायदे भी बताऊंगा आपको। नुकसानों की अगर मैं बात करूं तो नंबर वन जो बड़ा नुकसान है ना, वो नुकसान है दोस्तों कि जब भी इसको लगाया जाता है ना, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इस तरीके से संकुचन होता है। अब बताइए, बच्चेदानी में अगर संकुचन सुबह करवाएंगे शाम को करवाएंगे तो ये बहुत ज्यादा दर्दनीय होता है हमारी गाय भैंस के लिए, और ये जो दर्द होता है वो उसको स्ट्रेस में ला देता है, नतीजा वो गाय खराब हो जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस गाय भैंस को ये लगाया जाता है, मान लीजिए एक ब्यात में 2 या 3 महीने लगा दिया गया, तो उसके बाद जो अगला ब्यात है उस अगले ब्यात में वो प्रॉपर पीक पर नहीं आ पाएगी, प्रॉपर मिल्किंग पर नहीं आ पाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर नुकसान जो है वो है इनफर्टिलिटी, यानी रिपीट ब्रीडर बन जाना। जो गाय जो भैंस लगातार ऑक्सीटोसिन के अत्याचार से ग्रस्त हुई है वो रिपीट ब्रीडर बन जाती है, यानी समय पर फिर गैबिन नहीं होती। क्यों? अब खाली बच्चेदानी है, उसको आप यूं कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो फिर बच्चेदानी शिथिल हो जाती है। आजकल जो प्रोलैप्स की शिकायतें आप देख रहे हैं, रिपीट ब्रीडिंग की, आरओपी की, जो बच्चा देते समय परेशानियां आती है, उनमें बहुत बड़ा रोल है इस हार्मोन का। एक्चुअली क्या होता है, अगर सही मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बेटर है, लेकिन गलत इस्तेमाल, अंधाधुंध इस्तेमाल होने लग गया, इस वजह से सरकार ने इसको बैन कर दिया और इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी है जहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है। नंबर वन स्थिति के बारे में बताऊंगा, जब भी किसी गाय भैंस के अडर में, थन में, अडर में, गादी में कह लीजिए, दूध जो है वो जमा हो जाता है, अंदर जमने लग जाता है, चिथड़े बन जाते हैं, वो निकलते नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जब ऊपर जमा हो गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन की डोज पशु चिकित्सक तय करते हैं और वो डोज अगर लगाई जाती है ना तो जो चिथड़े अंदर हुए हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। ये एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसके अलावा किसी भी गाय में इसका मान लीजिए बच्चा मर गया और वो बिल्कुल भी दूध देने से आनाकानी कर रही है, तो एक या दो टाइम, ज्यादा नहीं, एक या दो टाइम उसको मिल्किंग में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ज्यादा हुआ तो वो के वो नुकसान तय है, तो एक या दो टाइम इसका जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक या दो टाइम। इसके अलावा जब भी कोई गाय भैंस बच्चा देती है उस समय अगर प्रसव कठिन हो रहा है, कई बार क्या होता है यूट्रस जो है वो शिथिल हो जाता है और बच्चा देने में परेशानी होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चा देने में परेशानी हो तो उस समय इसका इस्तेमाल अगर प्रॉपर डोज में करवाया जाए, जो पशु चिकित्सक तय करते हैं डोज, तो भाई वाकई वहां पर भी चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। और जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने कहा पहले भी कि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो फिर वो बच्चा बाहर निकलने में यानी डिलीवरी होने में मदद मिलेगी। ये सारे जो है वो फायदे और नुकसान है, इनको मद्देनजर रखते हुए ही पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। तो विशेष बात ध्यान रखिएगा, ये बैन है, इसका इस्तेमाल करते ही हमें नहीं करना है, ये विशेष बातें हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने वीडियो बनाना सही समझा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग को A to Z सीखना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से और साइंटिफिक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारा 5 तारीख जो आने वाली 5 तारीख से है, इस 5 तारीख से नया ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है डेयरी फार्मर्स के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम हमने A to Z क्यों रखा है, क्योंकि किसी भी नॉलेज को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, A to Z नॉलेज आपको प्रदान करवाया जाएगा।